देखिए फायरवॉल की टेस्टिंग का ऑनेस्टली मुझे उस तरह से इतनी कोई हमें फायरवॉल इज़ मैंने आपको लास्ट टाइम ये बात की थी, फायरवॉल इज़ ए साइबर सिक्योरिटी मेजर दैट एवरी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टेक्स एंड मुझे हमारे यहाँ पे हर चीज़ का एक मीडिया के अंदर भी मैं मीडिया को ब्लेम नहीं कर रही मगर एक मैं कह दूँ पब्लिक के अंदर भी एक चीज़ इशू क्रिएट हो जाता है। पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था गवर्नमेंट चला रही थी, अब उसकी अपग्रेडेशन है, गवर्नमेंट का राइट है। आप साइबर सिक्योरिटी अटैक्स देखें इस मुल्क के ऊपर, आप दुनिया इंटरनेशनल जो साइबर सिक्योरिटी अटैक्स हो रहे हैं वो देखें इस मुल्क के ऊपर कितने हो रहे हैं। जिस तरह थ्रेट्स साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो इवॉल्व कर रहे हैं, स्टेट्स नीड टू हैव बेटर कैपेबिलिटी टू इंश्योर के वो उन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को रिस्पॉन्ड कर सके। तो ये वाले सवालात जो हैं इसका यही रिस्पॉन्स है कि जितना जैसे जैसे ये चीज़ें इवॉल्व करेंगी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स वर्सन होंगे। उस पर भी हम आपको स्टैट्स दे देंगे कि पाकिस्तान में कितने अटैक्स होते हैं, उनको किस तरह प्रिवेंट करने की जरूरत है। पहले तो खाली व्हाट्सएप की कंप्लेन आ रही थी विच आई थिंक अभी वो भी रिजॉल्व हो गई है, बट इंटरनेट के स्लो डाउन की जो कंप्लेन आ रही है मैंने ISP से भी और मैंने तमाम लोगों से PTA से खास तौर पे रिक्वेस्ट किया है कि हमें डेटा प्रोवाइड कर दें कि ओवर द लास्ट 2 वीक्स ये डेटा ऑन रिकॉर्ड होता है ना कि डेटा ट्रैफिक के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है, आया वो स्लो हुआ है या क्या हुआ है। तो जैसे ही वो डेटा आता है विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू से एनीथिंग। देखिए इंटरनेट तो बिल्कुल कभी भी स्लो नहीं होना चाहिए, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं ना स्लो होना चाहिए उसमें कभी, बल्कि वो हम तो 5G ऑप्शन की बात कर रहे हैं ताकि इंटरनेट तेज़ से तेज़ किया जाए। तो इसमें तो देर आर नो टू थिंग्स अबाउट इट। और हमारी जितनी भी डिजिटल इकोनॉमी की हम बात करें, डिजिटल गवर्नेंस की बात करें, उसका पूरा इन्हिसार जो है सारा का सारा एक अच्छे हाई स्पीड रिलायबल इंटरनेट के ऊपर है। तो इसमें कोई दो राय नहीं।